नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मानव जाति के लिए कातिल बने कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसे में सभी स्कूल बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। पर कोरोना को मात देने के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने सरकार यानी शिक्षा सदन को 30% सिलेबस कम करने का मत दिया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव राजेंद्र प्रसाद का मत है कि इसके बाद बच्चों व अध्यापकों पर परीक्षा को लेकर के अनावश्यक दबाव कम हो जाएगा। स्कूल बंद होने के बाद में देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई गई, पर इसके बाद भी स्कूल जैसी शिक्षा दे पाना संभव नहीं। इसी के चलते शिक्षा बोर्ड ने कोरोना को मात देने के लिए सरकार के सुझाव के बाद शिक्षा सदन को 9वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों का सिलेबस कम करने का मत दिया है। सदन की तरफ से बोर्ड के पास 9वीं और 12वीं कक्षा परीक्षाओं के लिए सिलेबस को लेकर के राय भी दी गई है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। देखिए जगवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक शिक्षा सदन से, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से एक पत्र आया था, जिसमें से हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितना भी सिलेबस है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो एकेडमिक डेज जिसे बोलते हैं, वो एकेडमिक डेज पूरे नहीं हो पाए थे, तो उसी के देखते हुए कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक महसूस किया गया कि सिलेबस में कहीं ना कुछ कमियाँ होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस एकेडमिक डेज जैसे मैंने कहा पूरे नहीं हुए थे। उसी को लेकर बोर्ड ने पूरा खाका तैयार किया, एक फॉर्मेट तैयार किया। बोर्ड ने SCERT जो गुड़गांव के अंदर है, वहाँ से जो उनके एक्सपर्ट हैं उनको अब बुलाया था, और उन्हीं के साथ अलग अलग प्रिंसिपल से, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें प्रिंसिपल से लेकर अधिक लेक्चरर हैं जो एक्सपीरियंस हैं, उनके साथ एक बड़ी मंथन हुआ। उनके साथ विचार विमर्श होने के बाद बोर्ड ने कुछ अपनी अनुशंसा है वो तैयार करी है, जिसके अंदर रिडक्शन ऑफ जो सिलेबस है वो किया जाए, जिससे बच्चों के ऊपर अननेसेसरी जो आने वाले एग्जाम है उसमें प्रेशर ना पड़े। देखिए हमने एट पार, देखिए मैं अगर बात करूं तो 30% के लगभग हमारा जो सिलेबस में रिडक्शन होगा, ताकि आने बच्चों के ऊपर एक प्रेशर जो रहा है कि सिलेबस या टीचर्स के ऊपर एक वो ना रहे कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 30% जो कि CBSE द्वारा भी वो उसी प्रकार का सिलेबस में कमी की गई है, तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी 30% रिडक्शन की अनुशंसा शिक्षा सदन को यानी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को कर रहा है।